अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में आज हम बात करेंगे फार्मूलाज के टैब में फार्मूला एडिटिंग एंड कैलकुलेशन की ऑप्शन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला एडिटिंग में सबसे पहली ऑप्शन है हमारे पास ट्रेस प्रेसिडेंट्स। ट्रेस प्रेसिडेंट्स आपको आपकी वैल्यू ट्रेस करने के लिए ये ऑप्शन बहुत ही हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेल में अगर आपने कोई शीट बनाई है, कोई फार्मूलाज अप्लाई किए हैं और आप उनकी वैल्यूज को ट्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ट्रेस प्रेसिडेंट्स की ऑप्शन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स टाइप करती हूँ। देन हम इनकी सम करके वैल्यू सर्च करेंगे। सो इस तरह से कुछ नंबर्स टाइप करने के बाद यहाँ पर हम टोटल फाइंड करेंगे इनका। सम की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से वैल्यू सिलेक्ट कर ले जिनका आप सम करना चाहते हैं। देन प्लस का साइन, यहाँ से कोई वैल्यू सिलेक्ट कर ले। इसी तरह से हम कुछ वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे, तो इस तरह से आपके सामने सम आ जाएगा। और अब अगर आप देखना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास सम आया है ये किन वैल्यूज का आया है, तो वैल्यूज को ट्रेस करने के लिए सिंपल आप ट्रेस प्रेसिडेंट के ऑप्शन पे क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपको एरर्स शो कर रहा है, जिसे ये डिनोट हो रहा है कि ये जो है इन तीन वैल्यूज का सम है। सो इस तरह से आप ट्रेस प्रेसिडेंट की ऑप्शन को यूज करते हुए किसी भी एक्सेल की शीट में वैल्यूज को ट्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिमूव एरोज का। इस ऑप्शन को यूज करते हुए आप अपनी शीट से एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो तमाम एरर्स जो थे वो आपकी शीट से रिमूव हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अगर आप देखना चाहते हैं कि इन वैल्यूज में किसका हमने सम लिया है, वैल्यूज ट्रेस करने के बाद जो सम है वो किस साइड पर जा रहा है, तो सम देखने के लिए आप सिंपल उस कॉलम को, उस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका आपने सम लिया था। सिर्फ ये देखने के लिए इसका टोटल किस साइड पे शो हो रहा है, सिंपल आप ट्रेस डिपेंडेंट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपको शो कर रहा है कि इसका जो सम है वो इसमें शो है। इसमें हमने देखा कि जो नंबर्स आपने सम किए हैं उनका टोटल कहाँ पे शो हो रहा है। और नेक्स्ट अब हमने बात की कि किन किन वैल्यूज को ट्रेस किया है आपने, किन किन वैल्यूज का सम लिया है, इन ऑप्शंस की हेल्प से आपको शो कर देगा। वैल्यू ट्रेसिंग में ये ऑप्शंस बहुत ही हेल्पफुल हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं कि इस कॉलम में जो हमने वैल्यू सेलेक्ट की थी उसका सम कहाँ पे जा रहा है, तो सिंपल आप उस पर क्लिक कर दें, देन आप ट्रेस डिपेंडेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसका सम यहाँ पर शो हो रहा है। सेम इसी तरह इनमें से भी अगर आप किसी वैल्यू पे सिलेक्ट करते हैं, जिस तरह से आपने पिछली दो वैल्यूज का निकाला सम, इसी तरह से आप इनको इन पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस कॉलम में इस वैल्यू का सम है जो वो यहाँ पर शो हो रहा है, और इन तीनों वैल्यूज को सम करने के बाद जो टोटल है वो 746 यहाँ पर आपको शो हो रहा है। सो अब अगर आप इन ऑप्शंस को, इन एरोस को रिमूव करना चाहते हैं, तो सिंपल आप रिमूव एरोस की ऑप्शन पे क्लिक करें, तो वो इस तरह से रिमूव हो जाएंगे। सो इस तरह से इन ऑप्शंस को यूज करते हुए आप ट्रेस कर सकते हैं वैल्यूज को, और वैल्यूज को ट्रेस करते हुए आप ट्रेस कर सकते हैं फॉर्मूलाज को और सम को। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास शो फार्मूलाज की। अगर आप शीट में चेक करना चाहते हैं कि आपके फार्मूलाज कहाँ कहाँ अप्लाई किए गए हैं, तो उसके लिए सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू टाइप कर लेते हैं, देन इनका सम लेते हैं, ऑटो सम की ऑप्शन पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पर आपको उनका सम शो हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह कुछ और वैल्यूज लेते हैं, ऑटो सम की ऑप्शन पे क्लिक करें, सिंपल एंटर प्रेस करें, तो इस तरह से आपको इनका भी सम शो हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने तीन फार्मूलाज अप्लाई किए हैं, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ पर। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने एक्सेल की शीट पर कहाँ कहाँ फार्मूलाज अप्लाई किए हैं, तो सिंपल आप शो फार्मूलाज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आप इस तरह से देखेंगे कि आपको एक्सेल की शीट पर जहां जहां आपने फार्मूलाज अप्लाई किए थे वहां वहां आपको फार्मूलाज शो हो रहे हैं। सो इस तरह इस ऑप्शन की हेल्प से आप एक्सेल की शीट में कहीं भी, जहां भी आप फार्मूला अप्लाई किया था और आप भूल गए हैं, तो आप इसकी हेल्प से इजीली सर्च करके देख सकते हैं कि आपने शीट में कहां कहां फार्मूलाज अप्लाई किए हैं। और नेक्स्ट अगर आप इन तमाम फार्मूलाज को हाइड करना चाहते हैं, तो सिंपल दोबारा शो फार्मूलाज की ऑप्शन पे ही क्लिक कर दें,
तो आप देखेंगे कि आपके जो तमाम फार्मूलाज से वो रिमूव हो गए हैं। और अगर आप अपनी एक्सेल की शीट में एरर चेकिंग करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पर मौजूद ऑप्शन एरर चेकिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो वो आपको आपकी शीट में मौजूद कोई भी एरर यहाँ पर शो कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वॉच विंडो का। वॉच विंडो की ऑप्शन की हेल्प से अगर आप किसी एक इम्पोर्टेंट शीट पे काम कर रहे हैं और उसके साथ आपके साथ सामने बहुत सी और भी शीट्स ओपन हैं, बहुत सी इम्पोर्टेंट, और आप चाहते हैं कि एक ही शीट पर रहते हुए आप इजीली काम कर सके, तो आप इस तरह से एक शीट को दूसरी शीट में ऐड कर सकते हैं वॉच विंडो की हेल्प से, बजाय इसके कि आप सेपरेट सेपरेट हर शीट पर मूव करें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ शीट वन ओपन है, इसको हम रीनेम कर लेते हैं, इसको नेम देते हैं सैलरी शीट का। नेक्स्ट हमारे पास शीट है, उसको ओपन करके इसका नाम रख देते हैं हम बजट शीट का। नेक्स्ट शीट का नेम रख देते हैं हम रिजल्ट शीट, यहां से रीनेम करें। इस तरह से ये तीन शीट्स हमारे पास हैं और इनमें से इंपॉर्टेंट शीट्स को आप ऐड करके एक ही टाइम में वर्क करना चाहते हैं बजाय इसके कि आप सेपरेट सेपरेट मूव करें, तो उसके लिए सिंपल आप वॉच विंडो की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी। वॉच विंडो की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप चाहते हैं कि सैलरी शीट और रिजल्ट शीट को कंबाइन करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो सिंपल आप ऐड वॉच की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मौजूद सैलरी शीट की ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सैलरी शीट यहाँ पर ऐड हो गई है। उसके साथ आप यहाँ पर रिजल्ट शीट की ऑप्शन को ऐड करना चाहते हैं इस शीट को, तो सिंपल आप इस शीट पे क्लिक करें, देन ऐड वॉच के ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको रिजल्ट शीट शो हो रही है, सिंपल ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पर सैलरी और रिजल्ट शीट आपको कंबाइन हुई शो हो रही है। सो इस तरह से आप इन ऑप्शन को यूज करते हुए अपनी शीट्स को ऐड कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने से आप इस शीट पर मूव कर जाएंगे, देन रिजल्ट शीट पर क्लिक करने से आप इस शीट पर मूव कर जाएंगे। और अगर आप इनको रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, सिंपल इस पे क्लिक करें, देन डिलीट वॉच के ऑप्शन पे क्लिक करें तो वो रिमूव हो जाएगी। देन इस पे क्लिक करें, डिलीट वॉच के ऑप्शन पे क्लिक करें तो इस तरह से आप शीट्स को ऐड करने के बाद रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कैलकुलेशन ऑप्शन का। इस ऑप्शन की हेल्प से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कोई भी वैल्यूज टाइप करते हैं, देन आपको ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। इन वैल्यूज को टाइप करने के बाद यहाँ पर हम इनका ऑटो सम लेते हैं, सिंपल यहाँ पे क्लिक करें, ऑटो सम के ऑप्शन पे क्लिक करें, देन एंटर प्रेस करें, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको इनका टोटल शो हो रहा है। यहाँ पर मौजूद हम किसी भी वैल्यू में जब चेंज करते हैं कुछ भी, तो आप देखेंगे कि हमारे टोटल में भी चेंजिंग आ रही है। अगेन हम दोबारा से कुछ चेंज करते हैं, देन आप टोटल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसमें चेंजिंग आ रही है। अब अगर आप चाहते हैं कि हम वैल्यूज में चेंज करें लेकिन हमारे टोटल में सम में चेंजिंग ना हो, तो उसके लिए सिंपल आप कैलकुलेशन की ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ पर मैनुअल की ऑप्शन पे क्लिक करें, देन यहाँ पर आप अगेन कुछ टाइप करेंगे और टोटल की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं हो रही, जो हमारे पास अमाउंट थी वही है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही। अगर आप ऑटोमेटिक की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर आप मैनुअल ही रखेंगे तो अगर आप कुछ भी ऐड करते रहें उसमें वैल्यूज, तो उसके सम में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसकी हेल्प से हमने हेल्प से वैल्यू और वैल्यू की हेल्प से टोटल को सर्च किया। हमने फार्मूलाज को भी ट्रेस करना सीखा, इसमें हमने वॉच विंडो में शीट्स को ऐड करना भी सीखा और कैलकुलेट ऑप्शन को भी सीखा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मज़ीद ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।